है मिंट की गोलियां। दोस्तों ये वही गोलियां है जिन्हें मुंह में डालने के बाद पूरा मुंह किसी फ्रिज की तरह ठंडा हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। नींबू वाले फ्लेवर को लाने के लिए वो मैग्नीशियम स्टीरॉइड, शुगर फ्री स्वीटनर और लाइम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इन सारी सामग्रियों को एक बड़े से मिक्सर में डाल दिया जाता है। जो हरी चीज आप इसमें देख रहे हैं वो कोला और लाइम का मिश्रण है। बाद में इसकी लीड पैक करके उसे 45 मिनट तक घुमाया जाता है। बाद में इसमें कलर मिलाया जाता है। ये सारे कलर्स एडिबल होते हैं, यानी कि आप इन्हें खा सकते हैं। जिसके बाद इसे नीचे लगे हुए नोजल से बाहर निकाला जाता है। जब एक बार कंटेनर फुल हो जाए तब उसे एक दूसरे मशीन में डाला जाता है। सबसे पहले तो यह मशीन किसी भी बड़े हिस्से को बाजू में निकालती है। बाद में बची हुई पाउडर प्रेसिंग मशीन में चली जाती है। यह वही मशीन है जिसे दवाई के पिल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रोसेस काफी फास्ट होती है। ये एक मिनट में 18,000 गोलियां बना सकती है। जब हम इसे स्लो करके देखें तो हम देख सकते हैं कि होल में बसी पाउडर को ऊपर लगे हैंडल पैक कर देते हैं, जिसे कंप्रेशन कहा जाता है। जिसके बाद उसे दूसरे सिलेंडर में डाला जाता है, जहां पर एक्सिस पाउडर को बाजू में निकाल दिया जाता है। बाद में इन गोलियों को पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है।